स्टूडेंट्स, तो बेटा लास्ट टाइम हमने हाइब्रिडाइजेशन के 6 पॉइंट पढ़े कि क्यों ज़रूरत पड़ी हमें हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट था ये हाइपोथेटिकल होता है नेचर में। सेकंड पॉइंट, वही एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग करेंगे जिनकी एनर्जी और शेप क्या होगी, सेम होगी। थर्ड पॉइंट, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल उतने ही बनेंगे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेशन करेंगे। फोर्थ वन इज़, ये जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं जिससे सिग्मा बॉन्ड बनता है। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस हमने वहाँ पे पढ़ा बेंजाइन का, जहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बन रहा है, लेकिन सिग्मा ना बन के वहाँ पे क्या बना आपके पास, पाई बॉन्ड बना। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा फिफ्थ वन, कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हाफ फिल, फुल फिल और वैकेंट ऑर्बिटल भी क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट, ये डायरेक्शन होती है नेचर में। अब हुआ क्या कि ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बना था, मेरे नीड क्यों जरूरत पड़ी हाइब्रिडाइजेशन की बेटा, हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हमें ये तो पता चल गया कि कार्बन के चारों तरफ चारों बॉन्ड बन रहे हैं, चार हाइड्रोजन मिलकर बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन उनकी एनर्जी डिफरेंट होती अगर हम ओवरलैपिंग कंसेप्ट लगाते, लेकिन बॉन्ड लेंथ तो सबकी सेम थी। तो उस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन वहाँ पे एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट डाला गया, जिससे क्या पता चला कि भाई जो ये कार्बन है ये क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करने से पहले, हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग करने से पहले हाइब्रिडाइजेशन करता है, और हाइब्रिडाइजेशन करके क्या बनाता है, इक्विवेलेंट सेट बनाता है किसके, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के। अब सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, और जब सेम होती है तब वो जाके ओवरलैपिंग करते हैं किसके साथ, जो दूसरे एटम वहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, उनके साथ। इसलिए सभी की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में मज़ा तभी आता है जब हम क्वेश्चंस करते हैं और एग्जाम्पल्स करते हैं। ट्रिक मैं आपको कल बताऊंगा हाइब्रिडाइजेशन को निकालने की ट्रिक, आप कैसे सेकंडों में जो है हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। सबसे पहले हमें डिटेल पता होनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। द फर्स्ट वन इज, सबसे पहला लेते हैं उनका एसपी हाइब्रिडाइजेशन, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो हम पढ़ चुके हैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा कि एक एस और एक पी ऑर्बिटल मिलेगा और दो एसपी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल वहां पे बन जाएंगे हमारे पास, यही तो पढ़ा था हमने। चलो जिसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं, क्या था एग्जांपल, है बेरिलियम क्लोराइड। तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे जो बेरिलियम है बेटा, इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन कितना होगा, 1s2 2s2, और एक ऑर्बिटल जो आगे है ओपी, वो क्या है, वैलेंट पड़ा हुआ है, यानी 2s ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और p ऑर्बिटल के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन इसने तो दो बॉन्ड बनाए हैं किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो होगा क्या, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएगा, कब, एक्साइटेड स्टेट में, यानी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s2 यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर गया, 2s1 2p1। अब मेरे पास वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन s के अंदर पड़ा है और p के अंदर भी मेरे पास क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अब s ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, सर्कुलर, p की कैसी होती है, डंबल, ठीक है ना। अब ये क्लोरीन के साथ इंटरमिक्सिंग करने से पहले, ये आपस में ओवरलैपिंग करने से पहले ये ऑर्बिटल क्या करेंगे, यहाँ पे ये करेंगे बेटा इंटरमिक्सिंग, ये आपस में इंटरमिक्सिंग करेंगे, आपस में मिल जाएंगे, और मिलके क्या करेंगे, दो ऑर्बिटल हैं तो दो ही इक्विवेलेंट सेट बनाएंगे किसके, हाइब्रिड ऑर्बिटल के, दो इक्विवेलेंट सेट हाइब्रिड ऑर्बिटल के बना लेंगे जिनकी एनर्जी और शेप कैसी होगी, सेम होगी। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेंगे, अपने आप को अरेंज करेंगे, क्या करेंगे, अरेंज देमसेल्व, अरेंज themselves to minimize repulsion, क्योंकि repulsion जितना ज़्यादा होगा उतना ही unstable molecule होगा, तो ये इस तरह से arrange करेंगे दोनों orbital कि repulsion minimum हो। तो ये क्या करेंगे, अपने आप को 180 degree के angle पे अपने आप को rearrange कर लेंगे दोनों orbital, ठीक है ना। इस 180 degree के angle पे उन्होंने क्या किया, रीअरेंज कर। अब इसके पास क्या करेंगे, जो क्लोरीन है हमारा, क्लोरीन के पी ऑर्बिटल आना स्टार्ट करेंगे और वो ओवरलैपिंग कर देंगे, ये
ये जो हमारे पास हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना था, इसके पास क्लोरीन का पी ऑर्बिटल आया इस तरफ से, ठीक है, और दूसरी तरफ से दूसरा क्लोरीन का पी ऑर्बिटल आया, और उन्होंने क्या किया बेटा, ये ओवरलैपिंग कर ली। अब देखो इक्वल एनर्जी है इस ऑर्बिटल की, इक्वल एनर्जी की वजह से ये इस पी ऑर्बिटल के साथ क्लोरीन और इस पी ऑर्बिटल के साथ इक्वल मोड बनाएगा। तो यहां पर भी क्लोरीन है और यहां पर भी क्लोरीन है आपके पास। 1 मिनट मुझे कैमरा देखने दीजिए एक बार, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इट्स ओके। तो अब क्या है बेटा, ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, ठीक है, और ये बेरियम हो गया बीच में। तो आपके पास किस तरह का मॉलिक्यूल बन रहा है? अब क्या देख रहे हो, यहाँ पे क्या हो रही है ओवरलैपिंग, और यहाँ पे भी क्या हो रही है ओवरलैपिंग, ये याद रखने की बात है। लेकिन ये ऑर्बिटल कैसे बना है आपके पास, इसके अंदर 180 डिग्री का एंगल है। ये ऑर्बिटल जो बना हुआ है आपके पास वो किससे कैसे बना है, इंटरमिक्सिंग के, मिक्सिंग किससे बना है, एस और पी ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग के साथ। ये याद रखना, यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं है, मैंने क्रॉस लगा दिया, ओवरलैपिंग नहीं है। तो इसीलिए बेरियम का स्ट्रक्चर कैसा हो गया आपके पास, ये रहा बेरियम बीच में और दो इक्वल बॉन्डेड यहाँ पे क्लोरीन उसके साथ लगे हुए हैं। दिस इज द 180 डिग्री एंगल, और शेप कैसे हो गई लीनियर। क्लियर है सभी को? चलो जी नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, sp3। तो sp2 के बाद हमारे पास आ जाएगा sp3। तो अब sp3 के अंदर क्या होगा बेटा, हम वही पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्लियर होना चाहिए बिल्कुल आप लोगों को। सेकेंड इज sp3। अब sp3 में होगा क्या बेटा, 1s और 3p आपस में मिलेंगे, और क्या करेंगे, वो क्या करने वाले हैं, 3 और 1 4, 4sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे। तो इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल ले लेते हैं CH4 का, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कार्बन है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है कार्बन का, कार्बन का होता है 6, तो 1s2 2s2 2p2 ये हो गया, यानी वैलेंस शेल के अंदर 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और p के अंदर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। अब यहाँ पे तो 2 ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कार्बन को 2 ही बोन बनाने चाहिए थे, लेकिन यहाँ बोन कितने बन रहे हैं, 4। तो इसका मतलब क्या है, ये जो कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बोन बना रहा है वो कौन सी स्टेट में बना रहा है, एक्साइटेड स्टेट में। क्वेश्चन पूछ लिया गया है एक बार जे के अंदर, एक्साइटेड स्टेट के अंदर, क्लियर। तो यानी इसको हमें एक्साइट करना पड़ेगा कार्बन को, तो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और आपके पास 1s2 2s1 2p3। अब s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और p ऑर्बिटल के अंदर भी आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए ना, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन कैसे sp3, क्लियर है। अब s ऑर्बिटल के अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर शेप में है, p ऑर्बिटल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, p ऑर्बिटल वैसे डंबल। अब क्या होगा, अब इनकी क्या होगी, ऑर्बिटल्स की होगी इंटरमिक्सिंग। अब ये ऑर्बिटल क्या करने वाले हैं, ये करने वाले हैं इंटरमिक्सिंग, और जैसे ही इंटरमिक्सिंग होगी तो 4 नए सेट मेरे पास डिफरेंट एनर्जी, देखो ये ऊपर वाला लोब थोड़ा बड़ा रखे हैं, नीचे वाला लोब छोटा, 2 3 4, ऊपर वाला लोब बड़ा क्यों रखना है, क्योंकि फिफ्थ पॉइंट याद करो हाइब्रिडाइजेशन का, डायरेक्शनल होता है नेचर में, इस लोब ने बॉन्डिंग बनानी है किसके साथ, 4 हाइड्रोजन के साथ। तो चारों में इक्वल शेप और एनर्जी है, अब ये चारों क्या करेंगे, अपने आप को अरेंज करेंगे, अपने आप को अरेंज करेंगे, क्यों अरेंज करेंगे, ताकि रिपल्शन क्या हो जाए मिनिमम, रिपल्शन को मिनिमम करने के लिए, रिपल्शन को मिनिमम करने के लिए ये अरेंज करेंगे। तो 4 ऑर्बिटल किस तरह से अरेंज कर लेंगे, 109 डिग्री के एंगल पे ये अपने आप को बेटा अरेंज कर लेंगे, और ये लोग जो है आपको थोड़ा सा छोटा बनाना है एज कम्पेयर टू अदर वन। क्यों छोटा बनाना है, क्योंकि ये बैक साइड में है, बैक में, इन द बैक साइड, ये
द बैक साइड, बैक प्लेन में है, एक कार्बन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, एक इधर, एक बैक साइड में। आपकी तरफ से देखोगे तो मेरी तरफ वाला हाइड्रोजन बैक और एक हाइड्रोजन ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे ये जो छोटे लोग से आपको दिखाई देंगे, ठीक है, तो इन्होंने पीछे एंगल पे अपने आप को अरेंज कर लिया 109 degree 28 minute के एंगल पे, ठीक है। अब इनके साथ चार हाइड्रोजन क्या करने वाले बेटा, ये जो चार हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पता है ना, हाइड्रोजन कितना होता है 1s1, तो s ऑर्बिटल जो है यहाँ पे आगे क्या करेंगे, इसके साथ कंबाइन करना स्टार्ट कर देंगे। तो जो s ऑर्बिटल है वो इनके साथ कंबाइन करेंगे किस तरह से, इस तरह से जो है s ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे, एक s ऑर्बिटल यहाँ, एक s ऑर्बिटल यहाँ, एक s ऑर्बिटल यहाँ और एक s ऑर्बिटल यहाँ, तो इस तरह से ये ओवरलैपिंग हो जाएगी और आपके पास CH4 का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आप लोगों को मिल जाएगा। तो CH4 का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा आप लोगों के पास अल्टीमेटली, अल्टीमेटली आपके पास जो CH4 का स्ट्रक्चर होगा CH और ये बैक प्लेन में है, इसलिए मैंने इसको डॉटेड लाइन से दिखाया और एक हाइड्रोजन की, और ये एंगल कितना बेटा 109 degree 28 minute एंड द स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, क्लियर है। तो नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं हम लोग, आपके पास कौन सा, ये बेटा sp3 का एग्जांपल हो गया, ठीक है ना। हमने पढ़ा था पहला एग्जांपल कौन सा पढ़ा था, सॉरी हमने पहला एग्जांपल पढ़ा sp का, जिसमें हमारे पास एग्जांपल पढ़ा था sp के अंदर हमने BeCl2 का, ठीक है। अब ये एग्जांपल मैंने sp3 का करा दिया आप लोगों को, तो sp3 में एग्जांपल क्या आ गया आपके पास CH4 टेट्राहेड्रल, बीच में एक एग्जांपल रह गया मेरे पास sp2, तो sp2 भी कर लेते हैं। चलो sp2 में हम लोग एग्जांपल क्या लें, क्या लें, चलो जी हम sp2 में एग्जांपल ले लेते हैं BF3 का, ठीक है, बोरोन ट्राइक्लोराइड, तो बड़ा ही आसान है, कुछ भी नहीं है। चलो जी जो बीच में रह गया था sp2 वाला वो कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, एक एस और दो पी मिले और उन्होंने क्या किया, तीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना दिए। तो एग्जांपल लेके करते हैं BF3। अब बोरोन ने तीन क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया था। अब बोरोन का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, पहले कितना होता है बोरोन का, भाई 5 होता है, 1s2 2s2 2p1, इसके बाद तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे चाहिए कितने, तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो मुझे एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना पड़ेगा ना। तो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरोन कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर करेगा और ये आपके पास हो गया 1s2 2s1 2p2, तो आपके पास 2s ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और 2p ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, तो मेरे पास तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए ना, यानी एक s ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, एक p के अंदर ये वाला इलेक्ट्रॉन और दूसरे p के अंदर ये वाला इलेक्ट्रॉन। अब ये आपस में इंटरमिक्सिंग करेंगे एक s और दो p, और जब ये इंटरमिक्सिंग करेंगे तो क्या करेंगे, तीन इक्विवेलेंट सेट के एनर्जी ऑर्बिटल्स बनाएंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। कौन से ऑर्बिटल है ये, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, तीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गए। अब ये अपने आप को अरेंज करेंगे इसमें ताकि एनर्जी मिनिमम हो, तो क्या करेंगे ये ट्राइगोनल प्लेन के अंदर अपने आप को अरेंज कर लेंगे एट 120 डिग्री एंगल, तो 120 डिग्री के एंगल के ऊपर ये अपने आप को अरेंज कर लेंगे। अब इसके पास क्या होगा, फ्लोरीन के पी ऑर्बिटल आना स्टार्ट करेंगे, 2p5 होता है ना, तो फ्लोरीन के पी ऑर्बिटल जब इसके पास आएंगे तो वो क्या करेंगे, इनके साथ बॉन्डिंग करना स्टार्ट कर देंगे। कैसे करेंगे बॉन्डिंग, चलो देखते हैं। इसके साथ ये भाई जो मेरे पास बना 120 डिग्री के ऊपर यहाँ पे, तो यहाँ से पी ऑर्बिटल आएगा किसका, फ्लोरीन का, यहाँ से दूसरा पी ऑर्बिटल फ्लोरीन का आएगा, तीन फ्लोरीन है ना मेरे पास, यहाँ से तीसरा फ्लोरीन का ऑर्बिटल आएगा इस तरह से, और ये ओवरलैपिंग हो जाएगी,
तो याद रहे जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो तो किससे बना है अपने पास, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ओ ये बना है हमारे पास इंटरमिक्सिंग से, और ये यहाँ पे क्या हो रही है ओवरलैपिंग से हमेशा बोन बनता है, और मेरे पास जो बोन ट्राइक्लोराइड है वो क्या हो गया बेटा इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया उसका। अगर आप इन तीनों बोनों को डॉटेड लाइन से मिला दो तो आप क्या देख रहे हो एक ट्रायंगल बन गई है, इसलिए स्ट्रक्चर का नाम क्या है ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर। नेक्स्ट है मेरे पास sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में क्या करोगे आप लोग सेम उसी तरह से, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, फोर्थ वन इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। एक s 3p और एक d ऑर्बिटल मिलके 3 और एक 4 और एक 5 पांच हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे हाइब्रिडाइज। लेकिन यहां पे क्वेश्चन याद रखना, यही का क्वेश्चन है कि यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, डी जेड सी ये वाला इन्वॉल्व होता है डी के अंदर, बाकी इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल ले लो बेटा PCl5 का। तो जो फास्फोरस है उसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या होगा फास्फोरस का, मेरे पास आपको पता होना चाहिए फास्फोरस होता है 15 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो वैलेंस सेल ये रहा मेरे पास, अब यहाँ पे तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं अनपेयर्ड, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 3p के अंदर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन मुझे तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि 5 क्लोरीन को जोड़ना है। तो मैं क्या करूँगा एक्साइट करूँगा इसको, तो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अबे इसके आगे कौन सा है आपके पास 3d वाला है ना, तो 3d के अंदर क्या करेगा यहाँ पे 3d 0, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर कर जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s1 3p3 3d1। अब s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन और d में कितने ऑर्बिटल हो गए 5, 1 2 3 4 और 1 5, ये एक, यानी एक s 3p और एक d आपस में क्या करेंगे मिलेंगे इंटरमिक्सिंग करेंगे, और जब इंटरमिक्सिंग करेंगे d का कौन सा d जेड स्केल आपस में इंटरमिक्सिंग के बाद ये क्या करेंगे पांच नए सेट जो है इक्विवेलेंट सेट जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बना लेंगे 3, 4 और 5। ये पांच कौन से हैं 5 new sp3d हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। अब ये अपने आप को अरेंज करेंगे इस तरह से कि उनकी एनर्जी क्या हो मिनिमम हो। तो ये क्या करेंगे बेटा एक ट्रायंगुलर प्लेन के अंदर अपने आप को अरेंज कर लेंगे, ये सेंटर पे है फास्फोरस, यहाँ से ये ऑर्बिटल, इधर से ये ऑर्बिटल, इधर से ये ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल ऊपर और एक ऑर्बिटल नीचे। ठीक है, इन्होंने इस तरह से अरेंज कर लिया अपने आप को ट्राइगोनल, ट्रायंगल की फॉर्म में ट्राइगोनल, एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल की शेप में। अब इस ट्राइगोनल बाई पिरामिड पे क्या हुआ कि आपके पास क्लोरीन के पी ऑर्बिटल ने अप्रोच करना स्टार्ट किया, और क्लोरीन के पी ऑर्बिटल ने जैसे ही अप्रोच किया तो आपके पास क्या बन गया यहाँ पे जो हमारे पास ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप जो बनी थी, ये फास्फोरस का पहला ऑर्बिटल, दूसरा, तीसरा, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब यहाँ से अप्रोच किया आपके पास किसने, क्लोरीन के पहले पी ऑर्बिटल ने, यहाँ पे दूसरे पी ऑर्बिटल ने, यहाँ पे तीसरे पी ऑर्बिटल ने, यहाँ पे फोर्थ पी ऑर्बिटल ने, और ये फिफ्थ पी ऑर्बिटल ने। और इस तरह से हमारे पास ये जो ओवरलैपिंग हुई यहाँ पे पांच क्लोरीन ने अपने आप को जोड़ लिया। क्लियर है, तो आपके पास स्ट्रक्चर कैसा बन गया,
अब स्ट्रक्चर देखोगे PCl5 का Cl 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 और Cl, तो आपके पास अगर इसको मैं मिला दूं तो ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल सा बन रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या बन गया, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल। एक पिरामिड ऊपर है एक पिरामिड नीचे, इसलिए बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल, इसको हम क्या बोलते हैं, टीबी पीबी बोलते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जो है इसकी ज्योमेट्री हो गई आपके पास। उसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल में आप ले सकते हो sp3d2। तो आप अगर ये सब क्लियर हो गया है तो इजीली बना लोगे आप सभी चीजें। तो नेक्स्ट है sp3d2, sp3d2 यानी यहाँ पे एक s, तीन p और दो d, लेकिन ये याद रखना है अगर d है यहाँ पे वो कौन सा होगा, dx2 - y2 एंड dz2, ये पार्टिसिपेशन करने वाले हैं। और आपके पास एग्जांपल आप ले लीजिए SF6 का, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक है ना, इसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। चलो जी बस दो और करेंगे, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बेटे, रट्टा नहीं मारना है बिल्कुल भी, ठीक है ना, अच्छे बच्चे हो आप लोग, रट्टा नहीं मारना बिल्कुल भी। तो ये जो सल्फर है इसका बेटा ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन देखो कितना होगा आपके पास, सल्फर होता है 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 और 3d0, ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास कितने हैं अनपेयर्ड, मुझे कितने चाहिए अनपेयर्ड, 6 अनपेयर्ड चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन निकालना पड़ेगा इसका। तो क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा और यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा, तो आपके पास 1s2, 2s2, 2p6, 3s कितना हो जाएगा 1, और आपके पास 3p3 और 3d2, ठीक है ना। अब इसके पास 6 हो गए ना, 3 2 5 और 6, यानी s के अंदर बेटा एक इलेक्ट्रॉन है, p के अंदर जितने भी बोर्ड बनाने हैं उतने ही अनपेयर्ड कर देने हैं आपको। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने हैं 2, यानी इंटरमिक्सिंग होगी किसमें, एस में, 3 पी में और 2 डी में, डी कौन से, dx2y2z2, तो हमारे पास क्या बनेगा इनकी इंटरमिक्सिंग से, जब इंटरमिक्सिंग होगी तो हमारे पास यहाँ से आफ्टर इंटरमिक्सिंग यहाँ पे 5 न्यू सेट बनेंगे, क्यों से, sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के, ठीक है ना। अब ये क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे अपने आप को ताकि इनकी एनर्जी क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। अब ये क्या करेंगे, रीअरेंज टू मिनिमाइज देयर एनर्जी, क्योंकि मिनिमम एनर्जी में स्टेबल फील करता है मॉलिक्यूल, इसीलिए एनर्जी मिनिमाइज में अपने आप को स्टेबल करेंगे। तो 5 ऑर्बिटल किस तरह से अपने आप को स्टेबलाइज करेंगे, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है उनकी ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल पे। तो यहाँ पे जो आपके पास, सॉरी ये कितने बन गए, 3 2 5 और 1 6, 6 ऑर्बिटल अपने आप को मिनिमाइज करेंगे एनर्जी की फॉर्म में। तो होगा क्या, किस तरह से अरेंज करेगा, जो सल्फर के सेंटर के ऊपर है एक ऑर्बिटल, इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर वो एक इधर, तो इस तरह से ये अरेंज करेंगे सल्फर के चारों तरफ। अब फ्लोरीन के 6p ऑर्बिटल इसको अप्रोच करना स्टार्ट करेंगे। अब क्या करेंगे, 6p ऑर्बिटल जो है वो फ्लोरीन वो क्या करेंगे बेटा, फ्लोरीन FLUORINE फ्लोरीन अप्रोचेस sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसको अप्रोच करेंगे। और अप्रोच करके क्या बनाएंगे यहाँ पे, भाई ये जो सल्फर था हमारे पास, इसके पास ये थे 2 3 4 5
अब यहाँ से फ्लोरीन ने अप्रोच किया पहला पी ऑर्बिटल, दूसरे फ्लोरीन ने अप्रोच किया, बिल्कुल एक्सिट ओवरलैपिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। तीसरे फ्लोरीन ने अप्रोच किया, फोर्थ फ्लोरीन ने अप्रोच किया, ठीक है, फिफ्थ फ्लोरीन ने अप्रोच किया। आप बड़े अच्छे डायग्राम बना सकते हो, मेरी ड्रॉइंग इतनी अच्छी नहीं है, अच्छे बच्चे हो आप लोग। तो इस तरह से बेटा अप्रोच हो जाएगी और ये आपके पास ओवरलैपिंग होगी। और आप लोग क्या देख रहे हो कि जो सल्फर का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से अरेंज हो गया, चार फ्लोरीन इस तरह से, ठीक है, पांचवा फ्लोरीन ऊपर और सिक्स फ्लोरीन नीचे। तो ये आपके पास एक स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। अगर मैं इनको मिला दूं इस तरह से तो आपके पास क्या देख रहे हो, ऊपर ऊपर ये चार फेस बन रहे हैं, एक दो तीन चार, ठीक है ना, ये चार फेस दिखाई दे रहे हैं आपको। सिमिलरली यहाँ पे भी चार फेस दिखाई देंगे, एक दो, ठीक है, तीन और चार। तो चार फेस ऊपर चार फेस नीचे, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल जो है इसका स्ट्रक्चर होता है। एक बार फिर कैमरा देख लेते हैं, कहीं हमारी मेहनत खराब ना हो जाए। एंड द लास्ट वन इज, लास्ट इज बेटा आपके पास sp3d3। अब कर लोगे ना, अब आपको समझ में आ गया। अब कल मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह से ट्रिकी वे से हम लोग, इतना बड़ा मेथड ना आप पाते, ट्रिकी वे से कैसे सेकेंडों में हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। लास्ट वन इज sp3d3। तो यहाँ पे क्या होगा, एक s, तीन p और तीन d ऑर्बिटल मिलेंगे और वो क्या करेंगे, सेवन जो है sp3d3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना लेंगे। एग्जांपल ले लीजिए आप IF7 का, तो इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लीजिए, आयोडीन का कितना होता है, 5s2, 5p5, 5d0। तो आपके पास s में 2 है, p में 5 है, 1 2 3 4 5, और d में 0, 1 2 3 4 5। अब क्या होगा, मुझे तो 7 अनपेड चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक कौन ट्रांसफर होगा, यहाँ से ट्रांसफर होगा और एक यहाँ से ट्रांसफर होगा। तो एक्साइटेड स्टेट में आपके पास क्या हो जाएगा, 5s1, 5d3, 5d3। तो अब s के अंदर 1 हो गया, p के अंदर हमारे पास 3 हो गए और d के अंदर भी 3 हो गए, 2 3 4 5, 1 2 3। तो एक s, 3p और 3d ने आपस में क्या की, इंटरमिक्सिंग की और क्या बना लिए, 7 नए सेट बनाए। इंटरमिक्सिंग के बाद 7 न्यू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाए। कौन से हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, sp3d3, ठीक है ना। यहाँ पे जो ऑर्बिटल इंक्लूड होते हैं d के अंदर, वो होते हैं बेटा dxz, dyz और dzz, ये याद रखोगे। आज इन्होंने क्या किया, एनर्जी को मिनिमाइज कर लिया, ठीक है ना। तो इस तरह से अरेंज किया अपने आप।